नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पंडित जी से चर्चा करेंगे कि मंगल ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है, क्यों हमारे जीवन में मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है, और यदि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो कैसे आप उससे शुभ फल पाएं, कैसे उसे मजबूत करें, क्या है सरल उपाय, ये भी पंडित जी से जानेंगे। और सक्सेस मंत्र में आज जानेंगे कि यदि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी खास मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। आज हम पंडित जी से चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह की ज्योतिष में क्या भूमिका है, मंगल ग्रह से आपको क्या लाभ होते हैं, और यदि कुंडली में मंगल कमजोर है तो उसे कैसे मजबूत किया जाए। तो मंगल ग्रह पंडित जी, अगर कुंडली में कमजोर है तो उसे मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बाद जिस ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं वो मंगल है। और मंगल को जीवन में मजबूत करने की जरूरत क्या है? मंगल को ग्रहों में सेनापति कहते हैं, कमांडर इन चीफ है मंगल, और ये व्यक्ति के साहस पर, सुरक्षा पर और पराक्रम पर असर डालता है। मंगल व्यक्ति को जीवन में पद और संपत्ति देता है, बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, स्वास्थ्य की समस्याओं से सुरक्षित रखता है, यानी आपका प्रोटेक्टिव प्लेनेट है। मंगल से व्यक्ति को साहस और आत्मविश्वास मिलता है, इसलिए अगर मंगल कमजोर होता है तो व्यक्ति साहसी नहीं होता और जीवन की मुश्किलों का, जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता। जिन लोगों का मंगल कमजोर होता है ऐसे लोग बेवजह के वाद विवाद में फंस जाते हैं, बेवजह की मुकदमेबाजी होती है, बेवजह की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यानी अगर मंगल कमजोर है तो आपकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी बीमारियों से और दुर्घटनाओं से। अगर मंगल कमजोर है तो आपका साहस और आपका आत्मविश्वास भी पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा, जीवन में आगे बढ़ करके आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।